मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कन्नौज में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान जारी है। कन्नौज में लगातार चौथे दिन बाबा का बुलडोजर गरजा। नगर पालिका की टीम ने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये अतिक्रमण ढहाया। इस दौरान कई जगह टीम को लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद कन्नौज डीएम राकेश कुमार मिश्रा अवैध कब्जों और अतिक्रमण को लेकर सख्त हो गए हैं, जिसके बाद लगातार चार दिन से अतिक्रमण ढहाने का अभियान कन्नौज में जारी है। अतिक्रमणकारियों के विरोध को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स भी टीम के साथ चल रहा है। इत्र नगरी की पालिका क्षेत्र में डीएम ऑफिस के पीछे स्थित मानपुर रोड पर अतिक्रमण ढहाने की अगुवाई पालिका ईओ नीलम चौधरी ने की। उन्होंने कहा कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभियान चलाया जा रहा है, किस प्रकार का अभियान है ये? माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार और डीएम साहब के आदेशानुसार ये अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण का नाला नाली पे और जो सरकारी भूमि पे कब्जा है उसको तत्काल हटाए जाने का आदेश दिया गया। मैम, कहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है, कितने? आज हमारा गोलकुंडा चौराहे से मानपुर रोड की तरफ चला है। लगातार यहाँ पे शिकायत आती रहती थी कि जल निकासी की समस्या है, इसको दृष्टिगत रखते हुए आज यहाँ पे अभियान चलाया गया। किसी प्रकार का विरोध भी हुआ क्या यहाँ पे? विरोध जहाँ पे कार्य होता है तो विरोध तो होता ही है, लेकिन हमें पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है।